Namaskar, a very warm welcome to all of you. You are watching E Vidya channel number 8 and joining you today, I'm Nupurkul Shresht, and today we are going to discuss the topic When People Rebel, Class 8, Social Science, History. And yes, to give more details on this topic, we have a very special guest. We have Vipul Saxena ji, TGT, Social Science, and he was from Kendriya Vidyalaya number 2, Jaipur, Rajasthan. Namaste sir, a very warm welcome to you. Thank you ma'am, thank you all viewers. And before I start, I have an important announcement to make. We are proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leadership Summit for the first time in the country in 2023. Our nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. Dear viewers, if you have any query related to our topic, you can mail us, and you can see our mail ID flashing on your screens. And what you can do is, yes, you can mail your question to us and we will definitely take that question in our program. So now I'm going to talk about the topic we are, yes, and that is When People Rebel. Aur is par zyada jankari ke liye dene ke liye hamare sath hai Vipul Saxena ji. Sir, mujhe lagta hai ki jab bhi hum baat karte hain ki there is always a right time or moment to we can raise our voice against something which we don't like or we feel it's not good for us or for our nation. Aur mujhe lagta hai ki ye jo topic hai hamara ki When People Rebel, ye kuch isi tarah ki बात हमें बताता है, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने बात की है 1857 के विद्रोह की. और यहाँ पे जो मेरा सवाल है सबसे पहला, वो आपसे यही है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इसी विषय को इस वक्त हमें डिस्कस करना चाहिए? थैंक यू मैम. और मुझे लगता है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते और सबसे पहले एक देशवासी होने के नाते बहुत जरूरी है कि अगस्त का महीना, जो मेरी नजर में सबसे पावन महीना है, इट इज द मोस्ट सेक्रेट मंथ इन माय व्यू, क्योंकि हमें आजादी मिली 200 साल के संघर्ष के बाद. तो बहुत जरूरी है ये नई पीढ़ी को या हमारे बच्चों को ये बात पहुंचाना कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सारे समुदायों ने, सारी जातियों ने, हमारे सारे क्षेत्रों ने, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, उन्होंने कैसे अपने संघर्ष किया अंग्रेजों से और कैसे हमारी आजादी की कहानी को आगे बढ़ाया. तो आजादी की जो कहानी है ये इस पावन महीने में कही जाना बहुत ही उचित होगा. मुझे लगता था कि ये कहानी मुझे अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए कि कैसे हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की हमने शुरुआत की. जी बिल्कुल. और जैसे कि आपने कहा कि हम सब एक सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस को, और ये सही वक्त है कि हमें पता हो कि किस तरीके से हमारे जो नेता रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी. और अगर हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की, तो ये तो पहला जो विद्रोह था और किस तरीके से किया गया था और अहम भूमिका निभाई गई थी रानी लक्ष्मीबाई, अगर हम ये नाम लें तो हम सब के अंदर एक अलग ही एहसास हमें महसूस होता है. और इसी के बारे में हम आज ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं विपुल जी से. तो यहाँ पर ये जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि हमने बात की When People Rebel, तो ये जो 1857 का विद्रोह था, इसके पीछे क्या वजह रही थी? What were the main reasons behind this revolt? बहुत सारी वजह रही थी इनकी और हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये चिंगारी बहुत समय से उठ रही थी. सामाजिक सोशल रीजंस इसके लिए जिम्मेदार थे, पॉलिटिकल रीजंस इसके लिए जिम्मेदार थे, और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को जिस तरह से अंग्रेजों द्वारा लूटा गया, तो इकोनॉमिक रीजन भी इसके लिए जिम्मेदार थे. ऐसा कोई सेक्शन या ऐसा कोई वर्ग भारत में नहीं था, किसानों से लेके कारीगर तक और बड़े बड़े राजाओं से लेके और जमींदारों तक या आम आदमी तक, जो कि अंग्रेजी शासन से परेशान ना रहा. तो ये जो चिंगारी एक सुलग रही थी बहुत दिनों से, ये एक आग का रूप इसने धारण किया 1857 में. जी. और आगे आगे जैसे हम बात करें कि तमाम जो लोग थे वो एकजुट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जुड़े भी नहीं, तो ये जो विद्रोह था वो
उस रूप में उभर कर नहीं आ पाया और स्वतंत्रता हमको उस वक्त नहीं मिल पाई, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किया गया, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो कुछ नाम है हम लेते हैं, तो वो जो प्रयास है वो हम कहेंगे वो बेकार नहीं गया। हमें इससे ये जो सीख मिलती है वो यही है कि जब भी आप कुछ अपने आसपास गलत होता देखें तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। और आज के संदर्भ में जब हम बात करें तो आपको लगता है कि कोई भी चीज़ गलत है तो ज़रूरी है कि आप अपने टीचर्स को उसके बारे में बताएं, अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताएं और उन जागरूक रहें और अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते रहें। आगे अगर हम बढ़ें तो जैसा कि विपुल जी आपने हमें बताया कि इस संघर्ष के बारे में कि कोई भी खुश नहीं था और जिस तरीके से अंग्रेज़ अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो किस तरह से उस समय राजाओं का शासन था, तो क्या जो किंग हैं हमारे जो रहे राजा, वो किस वजह से नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी का क्या कारण रहा, अगर हम इस पर बात करना चाहें तो? उनकी नाराज़गी का कारण अगर मैं बताऊं तो मैं एक अपनी अगली स्लाइड के माध्यम से उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और ये बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई है, सिंहासन डोल उठे भ्रुकुटियां तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की जो रानी की ये कहानी लिखी गई है, ये एक हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, ये जन जन में ये आवाज प्रखर तरीके से उभरती है कि राजाओं के साथ जो व्यवहार किया गया, जो पुराने हमारे जनतंत्र के साथ व्यवहार किया गया, हमारे आम आदमी के साथ व्यवहार किया गया, उससे पूरे देश में एक तरह से गुस्सा था। और ये फिर प्रतिबिंबित हुआ झांसी की रानी के साथ। द डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट एक पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, और वो उसका एक तरह से ये हड़पने का ये प्लान था कि भाई हम हर भारत पे पूरी तरह से कब्जा करें। तो किसी कारण से वो हर एक कारण, छोटे छोटे कारण बनाकर हर एक राज्य को, चाहे वो नागपुर हो, चाहे सतारा हो और वो झांसी हो, इन सब राज्यों को एक एक करके हड़पा जाने लगा। और इससे लोगों को लगा कि ये जो अंग्रेजों की जो भूख है भारत को हड़पने की और यहाँ के संसाधनों का शोषण करने की, ये कहीं रुकने वाली नहीं है। और इसी ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, विशेषकर एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिंगारी उठ खड़ी हुई। और सारे जो राजा थे यहाँ के, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट का एक बिगुल बजा दिया। तो ये राजाओं के साथ जो इनका व्यवहार था, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया, जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी ये पॉलिसी जी, उससे राजा बहुत ज्यादा इससे असंतुष्ट थे। और उन्होंने, झांसी की रानी ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि मैं विदेशी शासन में अपनी झांसी को जाने नहीं दूंगी किसी भी हालत में। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने हमें बताया कि अपने हक की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी, और बिल्कुल ये बात हुई कि अपना जो शासन है, जो अपनी ज़मीन है, जो अपनी माँ है, उसको मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और साथ ही साथ अगर हमने, जैसे अभी आपने बताया कि उस समय कोई भी खुश नहीं था अंग्रेज़ी शासन से और उसके खिलाफ ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारा जो देश है वो किसानों का देश हम कहते हैं, और जो किसान है वही हमारी जो देश की मिट्टी है, माटी है, और जो हमारा अनाज है वहीं से आता है। तो किसान भी, वो जो वर्ग है, वो भी खुश नहीं था। उसके पीछे क्या कारण रहे, किस तरह की वजह रही? अब हम किसानों की बात करें तो हमारे देश की शान, आन, बान किसान ही रही है। भारत मूलतः, इंडिया इज बेसिकली एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और हमारी धरती तो सोना उगलने वाली है, कहते हैं ना, हमारे ये देश की धरती सोना उगले। तो किसानों की इस बहुतायत वाले देश में किसानों के ऊपर भी अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए। मैं उन कारणों पर आता हूँ जो कि किसानों के लिए जिम्मेदार थे। टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए थे, और हमारे यहाँ जो राजा राज करते थे उनके समय में भी इतने टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे जितने कि अंग्रेजों के समय में लगाए जाते थे। आमतौर पर टैक्सेस को लगान कहा जाता था, और लगान की दरें इतनी ज़्यादा कर दी गई थी कि किसानों की कमर टूट गई। दूसरी बात, किसानों पर काफ़ी सारे अत्याचार हुए, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हुई, प्राइजेस जो क्रॉप्स की थी वो बहुत गिर गईं और किसानों को घाटा होने लगा। लगातार पड़ते फेमाइन और एपिडेमिक्स ने किसानों को और गांव को बर्बाद करके रख दिया। बंगाल का जो फेमाइन था वो तो बहुत ही
जिसकी की चर्चा करना ही हमें एक अत्यंत दुखद लगता है कि जहां लगभग 30 लाख लोग मारे गए। इसी तरह महाराष्ट्र में, दक्कन में लगातार अकाल पड़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको तो एक रेवेन्यू कलेक्ट करना था इस देश से। वो तो एक विजिटर या एक ऐसे लोगों के साथ के रूप में सामने आए थे जिनको इस देश से अपने संसाधनों का शोषण करना था, दोहन करना था। जब दे जस्ट केम हियर टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, सो देयर मेन मोटिव वाज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज रादर देन द वेलफेयर इन द सोसाइटी। सो आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम अंडर द मोनार्की, इंडिया वॉज अ प्रॉस्पीरियस नेशन, इट वॉज अ गोल्डन बर्ड, इट वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन बर्ड, अ फ्लरिशिंग नेशन, a nation which was dominating, Indian trade was dominating in the world, Indian and Chinese trade. But after the arrival of the Britishers, everything collapsed in India, including the peasants and the agriculture. So I think these were the reasons for the collapse and the anger of the peasants and the farmers in India. जी, तो अगर हम बात करें सर, जब हम बात कर रहे हैं जो 1857 का जो विद्रोह था, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको नींद से जगाया गया था कि अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, और ये हक की लड़ाई थी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि क्या मुख्य वजह रही थी इस विद्रोह की, आप बताइए सर। बिल्कुल मैम, और इसके लिए हमें थोड़ा सा हम अपने स्लाइड्स को पीछे लेना चाहेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। हमने एक कहानी देखी, बहुत ही फेमस ये चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का, जो कि लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है, मंगल पांडे जी का, नाना साहब का, और इनफैक्ट ये अंतिम मुगल सम्राट जो माने जाते हैं बहादुर शाह जफर का। ये चित्र बहुत दुखद एक चित्र प्रस्तुत करता है, जब उनको कैप्चर कर लिया गया था सितंबर 1858 में उनके बच्चों के साथ, तो ये एक तरह से क्रांति का एक पतन था, इट वॉज अ डिक्लाइनिंग एंड एंड ऑफ द 1857 रिवोल्ट। बहुत सारे रीजन्स थे, अगर हम कारणों की बात करें तो बहुत लंबे समय से ये कारण चले आ रहे थे। देर वर डिफरेंट रीजन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ 1857 रिपोर्ट। इट वॉज नॉट ए स्पॉन्टीन्यूअस रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल, इट इनफैक्ट इट वॉज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एंगर विच वॉज डेवलपिंग इन द माइंड ऑफ द एंड द हर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, कल्चरल कॉज, मिलिट्री कॉज, रिलीजियस कॉज, and in fact it was an immediate cause, the introduction of a new cartridges, a new rifle called Enfield rifles. So we will talk one by one. We have talked about the condition and the situation of agriculture in India, the condition of peasants, the political cause. In the starting we have introduced the doctrine of the lapse was the biggest reason for the anger of the Indian kings towards the Britishers. Indian kings were not at all happy with the policies of the Britishers. Doctrine of the lapse, especially, it was the policy which was introduced by the Lord Dalhousie, and he was swelling all the Indian states, taking any sort of excuse, small excuse, and he was taking that he was annexing the kingdoms of the Indian states. झांसी, सतारा, उदयपुर एंड नागपुर, ऑल द स्टेट्स वर टेकन इनटू द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय स्मॉल रीजंस। ब्रिटिश पॉलिसीज आल्सो वर रेस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बाय 1856, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। इंडिया वाज अंडर द क्रंच ऑफ द ब्रिटिश रूल। There was interference in the ruler's internal affairs. There was a person called the resident who was sitting in the court of the kings, and he was interfering in the internal matters of the kings, the princely states. So people, the kings of India were very unhappy, and they responded unitedly during the time of 1857 revolt. Secondly, economic cause. As we have discussed, India was considered as the golden bird of the world. We had a very high position in terms of the economic sector. Indian goods, commodities were flooding in the markets of the European countries. Even the British Queen was preferring the Indian clothes, shins,
cheat. So Britishers decided the policy, they introduced the policy, and that policy collapsed all the sectors in India, the agriculture sector, the cottage industries, the carpentry, everything was collapsed under the rule of the Britishers. People were very unhappy with this kind of policies of the Britishers. There was a land crisis in the farming sector. People were not getting the proper land. They were not having the proper prices of their crops. Inflation was very high at the time. Prices were very high. Inflation was under, it was not under control. The drought and famines were very frequent at the time. And the lakhs of the people, millions of the people were losing their life with ignorance. Even the Indian kings were taking care of the people, but not the Britishers. Britishers were having a different set of mind. तो राजाओं के काल में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ. राजाओं ने भी अपनी जमीन को समझा. मुगल्स आए और उन्होंने भी यहाँ पर अपने आप को आत्मसात किया. विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने भी इस संस्कृति को सराहा, यहीं के होकर रह गए. लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस जमीन को अपना नहीं माना. और बड़े बड़े अकाल और बड़े बड़े फेमाइंस के टाइम पर, बड़े बड़े एपिडेमिक्स के समय, जैसे प्लेग है और स्मॉल पॉक्स है, इसके समय में भी उनकी जो पॉलिसीज थी वो हमेशा ब्रूटल रही. और ये बात भारतीय जनता को बहुत बुरी तरह से चुभ रही थी. रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉज वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रिलीजियस इश्यूज वर वेरी वेरी अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. द रोल ऑफ द मिशनरीज हु केम अलॉन्ग विद द ब्रिटिशर्स प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल इन इंडिया. द मास कन्वर्जन, देन द क्रिटिसिज्म ऑफ द लोकल ट्रेडिशंस, issue of religious conflicts between the Britishers and Indian religious followers, and in fact there was an issue which was a military cum a religious issue. ये दोनों के साथ था. एक नई राइफल का लॉन्च करना और ये अफवाह फैलना, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है कि उस राइफल की जो कार्टिजेस थी उसके चारों तरफ ऐसा आवरण था जिसमें कि उसको मुंह से खींचना पड़ता था, और ये कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है. और ये इस इशू ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को इक्वली इफेक्टेड किया. और साथ ही साथ इंडियन सोल्जर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो तो सर्वविदित था. इट वॉज अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट द इंडियन सोल्जर्स वर बैडली इफेक्टेड विद दिस इशू, डिस्क्रिमिनेशन. With the same service, they were discriminated with the less paid soldiers. With the quality of the food they were receiving was very dull, very low. So it was a kind of the anger which was developing in the mind of the soldiers of Indian Army, and they started this mutiny. तो कभी कभी ये कहते हैं कि भाई ये तो soldiers की mutiny थी. कुछ लोग इसको एक limited area का विद्रोह बताते हैं, ये एक local revolt था. लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, और इनफैक्ट हमारे पूरे भारतीयों का ऐसा मानना नहीं है. ये एक सम्मिलित प्रयास था. सारे समुदायों ने, सारी जातियों ने, और सारे व्यवसाय वाले लोगों ने, न केवल सोल्जर्स ने, बल्कि खेती या किसानों ने उनका साथ दिया, जमींदारों ने उनका साथ दिया. कुंवर सिंह एक बहुत फेमस जमींदार थे जिन्होंने इनका साथ दिया. तो सारे समुदायों ने मिलकर एक बहुत जबरदस्त एक रिस्पॉन्स दिया ब्रिटिशर्स को, यह एहसास करवाया कि हम भारतीय हैं. सदैव से हमने विदेशियों का भी स्वागत किया है, लेकिन आपके जब इरादे नेक नहीं है, आप जब हमें अपना मानने को तैयार नहीं है, और आप हमारा शोषण कर रहे हैं, तो आप ये भी समझ लें कि भारतीय वो प्रजाति है दुनिया की जो न कभी किसी के सामने झुकी है और न रुकी है. तो ये 1857 का जो रिवोल्ट है, जो रेबल है, ये एक राष्ट्रवादी रिवोल्ट था मेरी नज़र में. चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, इसको कोई म्यूटी नहीं बताता रहे, लेकिन ये एक बहुत ही देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन था. तो पहली लड़ाई थी हमारी स्वतंत्रता की, जिसमें न्योछावर किए हैं प्राण हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने. जी, और साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे हमने बात की कि रानी लक्ष्मीबाई और कई जो है हमारे सेनानी हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और लेकिन हमने वजह बात जान ली विपुल सर, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो विद्रोह था ये फिर भी सक्सेस नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या वजह रही? जी बिल्कुल, अगर हम इस टेबल को देखें, हम इस तालिका को देखें, इफ यू लुक इट वेरी केयरफुली, वी फाइंड दैट द सेंटर्स ऑफ दिस रिवोल्ट, दिस रेबेलियन,
was restricted to some particular areas, and it could not spread in the entire country because of different reasons. There was a lack of communication measures, there was a lack of means of transportation at the time. So people could not interact, they could not plan it properly. तो हम देखें तो दिल्ली में 11 मई को ये स्टार्ट हुआ और सितंबर तक चलता रहा जब तक कि बहादुर शाह जफर को पकड़ नहीं लिया गया. लखनऊ में भी बेगम हजरत महल ने बहुत ही साहसिक कार्य किए, बरेली में बख्त खान, झांसी में तो एक बच्चे बच्चे की जुबान पर है वो नाम रानी लक्ष्मीबाई, पंजाब में साधारण लोगों ने विद्रोह कर दिया, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब. ये जो विद्रोह था, ये जो रेबल जो फैला, ये अनफॉर्चुनेटली ये पूरे देश में नहीं फैल पाया, वरना शायद हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही मनाया जाता. अगर इसको और थोड़ा व्यापक जन समर्थन मिल जाता पूरे देश में, क्योंकि उन दिनों कम्युनिकेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, तो हो सकता है स्वाभाविक तौर पर कि हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, ये जो विभिन्न नेता थे, जो लीडर थे 1857 के, अपनी बात पहुँचा नहीं पाए. और इसी के बदौलत मेरे ख्याल से ये जो है ये असफल रहा. ब्रिटिशर्स बहुत तैयार थे, वो प्लांड थे, उनके पास एक सेंट्रलाइज आर्मी थी, और उसकी तुलना में हम लोग जो है पुराने हथियारों से और कहीं कहीं पर बर्छे भालों से लड़े बहुत वीरता से, लेकिन आधुनिक जो हथियार हैं उनका सामना कैसे करते जी. मंगल, तो ये मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के साधन और एक लिमिटेड एरिया का होना, फिर हमारे प्रॉपर प्लानिंग का अभाव रहना और एक यूनिफाइड लीडर का की कमी, ये सब रीजंस थे जो शायद 1857 का रिवोल्ट असफल रहा, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये बात को. जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए. और वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस विषय पर हम और बात करें, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको समझाया तो वाकई, और अंततः यही कहना चाहूँगी कि आप हम सबको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके लिए क्या सही समय है, और अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद अस, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. और अब से कुछ ही देर में आप हमारा वेबिनार देखेंगे, और जिसका विषय रहेगा जर्नी ऑफ नेशनल ICT अवॉर्डी टीचर्स. एंड बिफोर आई लीव आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक. NCERT टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT सेल्स काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू डेली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु एंड कोलकाता. एंड दीज सेल्स काउंटर विल बी फंक्शनल ऑन ऑल द वीक डेज इंक्लूडिंग गेजेटेड हॉलीडेज, सैटरडे एंड संडेज फ्रॉम 9:30 AM टू 6 PM. एंड इफ यू वॉन्ट दी सॉफ्ट कॉपी of these books, you can download it from NCERT Diksha e-Parshala websites. And please visit the website ncert.sinic.in to know more about the authorized vendors. I Nupukul Shresth signing off. Namaskar.